दोस्तों, 90 के दौर में मीठी मीठी बातें बोलकर दिल चुराने वाले बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर को रिलीज हुए आज पूरे 21 साल हो गए। इस फिल्म से पहले बॉलीवुड में बरसात और गुप्त जैसी सुपरहिट फिल्में की थी। वहीं सोल्जर से बॉलीवुड को मिली डिंपल गर्ल यानी कि प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा ने इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। कहा जाता है कि बॉलीवुड में हर सुपरस्टार का एक अपना दौर होता है। इस दौर में इनकी फिल्में देखने के लिए लोग पागल हुआ करते थे। 90 के दशक में बॉबी देओल का बोलबाला था। लोग उनका हेयर स्टाइल से लेकर उनका अंदाज तक कॉपी करते थे। सोल्जर फिल्म के बाद बॉबी देओल का हेयर स्टाइल और उनके कपड़े पहने तक के स्टाइल को लोग कॉपी करने लगे थे। बॉबी देओल की इस सुपर डुपर हिट फिल्म का आज की डेट में सीक्वल बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बॉबी देओल की सोल्जर की सेकेंड पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बॉबी देओल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। बॉबी देओल का असली नाम विजय सिंह देओल है और उनके बड़े भाई अजय सिंह देओल यानी कि हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर सनी देओल है। सोल्जर फिल्म में बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी सुपर हिट रही थी। साथ ही सुपर हिट हुए थे इस फिल्म के गाने। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम साल का तीसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था। प्रीति जिंटा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के लिए इस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये सब एक सच्ची घटना पर आधारित थी। 90 का दौर जाते जाते बॉबी का स्टारडम और फैन फॉलोइंग भी कम होने लगी थी। बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात थी। वो इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना के साथ रोमांस करते हुए नजर आए थे। सोल्जर फिल्म के बाद बॉबी की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उनका करियर लगभग खत्म हो रहा था। उन्होंने 5 सालों तक लगातार 7 फिल्में फ्लॉप दी थी। सोल्जर फिल्म बॉबी देओल के करियर की सबसे हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है। लेकिन फिल्म में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने काफी लंबे समय का ब्रेक लिया और फिर उन्होंने फिल्म रेस 3 से कमबैक किया और काफी शानदार बॉडी के साथ नजर आए। इससे पहले पिछले 6 सालों से बॉबी देओल लाइमलाइट से दूर रहे थे। खबरें थी कि उनकी कई फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई थी, इसलिए डायरेक्टर्स ने उन्हें एक काम देना ही बंद कर दिया था। इस मामले में बॉबी का कहना है कि उन्होंने वाकई में अपने स्टारडम का इस्तेमाल नहीं किया। 90 के दशक और साल 2000 और उसके आसपास के सालों में उनका ये सफर काफी बेहतरीन रहा था, लेकिन बॉबी देओल अपने स्टारडम मेंटेन नहीं कर पाए। वहीं जब आज फिर से बॉबी देओल की सोल्जर फिल्म के सीक्वल के बनने की खबरें आ रही हैं, तो बॉबी चाहते हैं कि वो इस फिल्म में दोबारा काम करें। लेकिन उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि सोल्जर फिल्म के सीक्वल में ऋतिक रोशन को लिया जा सकता है। लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा और इस फिल्म में किसको लीड एक्टर के तौर पर अप्रोच किया जाएगा, इन सब के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। बॉलीवुड की गलियारों में ये उड़ती उड़ती खबर है कि सोल्जर के सीक्वल को बनाने की चर्चाएं हो रही हैं और इसमें ऋतिक रोशन को कास्ट किया जा सकता है। लेकिन बॉबी देओल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि सोल्जर के सीक्वल में भी उन्हीं को कास्ट किया जाए। तो दोस्तों, सोल्जर फिल्म का सीक्वल बनता है तो आप इस फिल्म में किस एक्टर को काम करते हुए देखना चाहेंगे, बॉबी देओल को या फिर ऋतिक रोशन को? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।